واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامي محبت سے حضور کے غلام درود شریف پڑھیں الصلاۃ ماشاءاللہ بڑی عقیدت اور محبت نال آپ احباب تشریف فرماؤ الحمدللہ ایسے بیسوں ایسے چہرے ہیں جنہاں نوں میں جان رہا ہوں وہ میرے ذوق تو واقف نے میں تھوڑے ذوق تو واقف ہاں اللہ تھوڑی محبت نوں سلامت رکھے گرمی انتہا ہی زیادہ ہے لیکن کوشش کروں گا کہ تانوں گرمی دا احساس نہ ہوئے حسن مصطفیٰ دا تے حسین بادشاہ دے ذکر دا احساس ہوئے اللہ آپ سب نو سلامت رکھے جس عقیدت نال تشریف فرما ہو گوڑے بھی تھلے کر لو ادب نال بیٹھنا ہے خدا دا گھر رے ادب پہلا ہے کرینہ سب محبتان دا ادب نال خدا دے گھر چھے بڑی مہربانی جتنے اب آپ عقیدت نال تشریف فرما ہو حضور دی بارگاہ چ بابا سے بلند روشی بڑا صلات اے ادھر والے بھی سنگی جارب میرے نال ماشاءاللہ پڑھ لو میں پڑھتا رہا تھوڑے نال صلات ایک دو مرتبہ پھر پڑھ لو صلاۃ سب اے مائک دی آواز کھولو تے ای دی آواز مائک دی اس مائک ٹھیک چل ٹھیک صلاۃ و سلام علیک یا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین جنہاں دی زبان نہیں ہے تے او نہ بولیا جے جنہاں نو شک ہو بھی او بھی نہ بولیا جے جنہاں نو پک ہو بھی کہ محمد دا گھرانہ آلہ تے پھر شرمانا نہیں چودری بن کے نہیں بہنا فقیر بن کے آکھنا ہے میں اویسی صاحب نہیں آندا کوئی حد چاوے یا نہ چاوے جنہاں نو شک ہے تے قسمے میرے بھائیو میرے بابا جی دے نوکر نہ بولو تسی تے صداقت دے درد غلام ہو تسی ضرور بولیا جے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ اونچی آواز سے کہنا حسین کا پتہ لگ جیسی حسینی بیٹھے ہیں افضل ہے کل جہان میں گھرانہ ایک باری پھر پڑھنا تے پھر اگلا شعر پڑھا گا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک باری کہنے کہ نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین
जी 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 नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और शेर सुनिए जरा, दो पल की थी अल्लाह अल्लाह सबके बिला सबके बिला, दो पल की थी यजीद की हुकूमत दोस्तो, सदियां हुसैन के है जमाना हुसैन। अच्छा गल सुनो, जिना ए यकीन हो हाथ चाके आखो लगा, सदियां हुसैन है जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की है। अल्लाह ताला दी हमद सना तो बाद दुरूद हुजूर नबी अकरम रहमते दो आलम शफी मोहतरम इमामुल अंबिया शबे असवक दुल्हा जान कायनात बल्कि जान जहान कायनात ताजदार कायनात ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना खुदा दी खुदाई दे शहनशाह अरशां दा लाड़ा मनो अरशां दा लाड़ा जनाब अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम हुजूर दी पाक बारगाह दे अंदर हदीया अकीदत व मोहब्बत नाल दुरूद व सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद नहायत वाजिब उल एहतराम सद तअज़ीम व तकरीम के लायक मेरे मसलक के अजीम जय्यद मुक्तदर उलमाए किराम मशायख अज़म सदात गिरामी आशिकाने मुस्तफा गर्मी दे इस मौसम दे अंदर बैठने वाले हुसैन बादशाह दे नौकरो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम दा जवाब ते देओ जी, गर्मी मैं नहीं पैदा की थी, माशाल्लाह आशिका ने मुस्तफा दी गर्मी के और मैनू भी महसूस हो रही है, तुम भी महसूस कर रहे हो। आज दी खूबसूरत महफिल पाक माशाल्लाह नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल सैयदो शुहदा राकिब दोश मुस्तफा जिगर गोशाए सैयदा कायनात गुले गुलशने सैयदा जहरा बतूल इमाम अली मकाम जनाब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु व दीगर शहादाए करबला दी याद अंदर इस खूबसूरत मरकज के अंदर जामिया मस्जिद मदरसा अनवार सिदरा महल्ला हसना आबाद शरीफ तानी छंक माना वाला दी सरजमीन जिला शेखोपुरा के अंदर इनकाद वजीर है, जिस दे अंदर मैं तो सब हाजिर हाँ। अल्लाह मेरी और तुहाडी सारे की हाजिरी अपनी बारगाह कबूल फरमाए। जरा उची सारी आमीन फरमाओ माशाल्लाह। तुसी हुणे नाल ही खामोश हो गए, मैं तो दो त्रै घंटे खिताब करना है। हाँ बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अज दी माशाल्लाह खूबसूरत महफिल पाक मौला हुसैन बादशाह की याद के अंदर भी है और उससे मुबारक दी तकरीब शहीद भी है। पीरे तरीकत रहबर शरीयत जिगर गोशाए सैयदा कायनात हुजूर क़िबला आलम बाबा जी पीर सैयद मुहम्मद हनीफ शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह ताला आप दे उर्स मुबारक दी तकरीब शहीद भी नाल नाल जारी है। अल्लाह करीम हुजूर क़िबला शाह साहब दे सैयदा कौनैन पाक दा सदका आप दे दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका जितने भी मुसलमान इस दुनिया फानी तो कूच कर गए, अल्लाह सैयदा दे खात कदमा दी खाक दा सदका अल्लाह उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमाए। मसनद ज़ेब ज़ीनत पवरदा गोशे वलायत सैयदुल सादात इंतहाई मुखलिसी मुरब्बी मुशफ़िकी जनाब बाबा जी पीर सैयद रज़ा अली शाह साहिब कादरी चिश्ती मूसवी काजमी आस्ताना आलिया अड्डा पनवा शरीफ और सैयदुल सादात इंतहाई मोहतरम शख्सियत जनाब शहजादा वाला शान पीर तरीकत राबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना शहजादा पीर सैयद मोहम्मद नज़ीर हुसैन शाह साहिब जीद अशरफ आप तशरीफ फरमाने क़िबला शाह साहब ने मैनू हुक्म इरशाद फरमाया। मैं एक दो मरतबा पहले भी हाजिर होया, फिर तीसरी मरतबा अज अपने बुजुर्गों की ज़ियारत वास्ते हाजिर खिदमत हाँ। अल्लाह मुझ गुनागार दा आना जनाब दा सुनना अल्लाह अपनी बारगाह शर्फ कबूलियत अता फरमाए। फख्र नकाबत जनाब शहनशाह नकाबत सैयद सादात मेरे बिरादर मोहतरम मेरे सज्जन मेरे भाई शहजादा पीर सैयद हसन रजा शाह साहब काजमी जीद अशरफ
आपने इतना ही खूबसूरत कलाम पेश फरमाया और फखरे फिरोज वटवा मेरे भाई मोहम्मद अदील शफाकत अली कादरी साहिब दीगर सना खाना ने मुस्तफ़ा आपने भी मोहब्बत भरी खूबसूरत हाजिरी पेश की थी। मेरे भाई रफीक साहब ने दीगर हजरात मोहम्मद शहबाज कादरी साहब ने और जिस हस्ती वाला वक़ार दी सदारत है खादम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह हुज़ूर क़िबला आलम सैयद सादात बाबा जी पीर सैयद ज़हीर हसन शाह साहिब जीद अशरफ हो आप न मेरी गुफ्तगू हुई आप किसी मजबूरी की वजह तो शरीफ नहीं लैके आए लेकिन साडा ईमान तकीदा क़िबला शाह साहब जिथे भी सैयद सादात का ना हो भावे सैयद आन या ना आन साडे ते निगाह जरूर रखते ने और जिस हस्ती वाला वकार दी जेरे सरप्रस्ती और सिदारत और जिन्हें निगाह में असं बैठे हाँ पवरदा अगोशे वलायत वीर तरीकत रहबर शरीयत जिगर गोशाए सैयदा कायनात हुजूर क़िबला आलम बाबा जी पीर सैयद मोहम्मद अनवर हुसैन शाह साहिब गीलानी अल बगदादी अल कादरी गैरतमंद सैयदादा सैयद सारे गैरतमंद मेरे हुजूर दे गुलामो पर जिन्हें जिन्होंने अपने घर की बात होंगी है फिर घर वाला ही घर की गल याद रखता है ना। अल्लाह करीम क़िबला शाह साहब ने लंबी उम्र खिदर अता फरमाए मेहमान मौसेसी ने गिरामी तशरीफ फरमाने इश्तहार बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत भरे मैं एक एक साथी का नाम लवा तो टाइम चाहिए है। मैं इंतहाई मशकूर ममनूना चौधरी वारिस अली जट साहिब चौधरी राशिद अली जट साहिब जनाब भाई चौधरी मोहम्मद जवेद साहिब जनाब मोहतरम मेरे खालिद भाई मक्का इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आप भी तशरीफ लाए हजरत इन ठीक करो नहीं चले ना जी मेरे मुस्तफ़ा करीम रफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदे गुलामो मौसेसीन इलाका तशरीफ फरमाओ अल्लाह सब दी हाजरी कबूल मंजूर फरमाए गिरामी कदर हज़रात बिला तखीरो बिला तमहीन गर्मी का मौसम है मेरे भाई हाफिज मोहम्मद अमजद अली साहेब हाफिज अली असगर साहेब और जनाब गुलरेज साहब भी गालिबन बाहर तशरीफ रखते होंगे मेरे सरकार दे गुलाम जितने भी अबाब बैठे हो मैं सब नू क़िबला शाह साहब दे वल्लों खुश आमदीद भी आखना और सब वास्ते दुआ गोआ अल्लाह जितने मेरे पीर भाई बैठे हो अल्लाह सब नू मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत नसीब फरमाए और मौला हुसैन बादशाह का जिक्र कर दिया अल्लाह करीम सानू हुसैन बादशाह की गुलामी और हुसैन बादशाह के मिशन से अल्लाह चलन की तौफीक रफीक नसीब फरमाए मैंने क़िबला शाह साहब ने जो हुक्म फरमाया है कि तू मौला हुसैन बादशाह ही पढ़ना है और इंतजामिया ने हुक्म किया कि एक साड़ी फरमाइश है भाईजान वह भी पढ़ दें तो इंशाल्लाह वह भी मैं पढ़ देंगा मौला हुसैन बादशाह का जिक्र और शहादत गाजी जनाब मोहम्मद कासिम बिन अली इब्ने हसन जनाब बहुत शुक्रिया मैं नारे का टाइम देंगा क्योंकि गर्मी है मेरा भाई मैं शुगर का मरीज हाँ अल्लाह करे जी साथ मेरा दें दे रहो तुम इंज अल्लाह हजूर का सदका रहम करम फरमाए मैं क़िबला शाह साहब को ना तो मैं मेहमान हाँ तो ना मैं खतीब बन के आया मैं सैयदा की जुत्ती का नौकर हाँ तो मैं मेहमान बन के नहीं आया मैं खुद इस महफिल का मेजबान हाँ मेरे भाई चिश्ती साहब मेरे गोल्ला शरीफ के गुलाम बैठे हो भाई सलीम साहब मोहतरम जितने भी बैठे हो आका करीम दे गुलाम हो आइए जरा किरामे कदर हज़रात मैं दो आयत करीमा कुरान मजीद की तलावत की ने इसका मफहूम अर्ज करके मैं इंशाल्लाह मौला हुसैन पढ़ना चाहना खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى فرما प्यारे हबीब ऐलान फरमा दियो जरा जागदा बंदा बैठा जब सिर तुसी हिलांदे हो खतरा पै जांदा है सिर ना हिलाओ जरा अवैसी साहब जरा अवैस कलंदर बन के बैठो जरा माशाल्लाह नहीं तो सानू इको ही कलंदर काफी है जरा सामने असी बिठाया पिछे हटाया अगे कलंदर ले आया क्योंकि पता होना चाहिए कलंदर कदी पिछे होवे ते कदी कलंदर अगे होवे ते फिर वो रक्ष करता है ना जी है कलंदर रक्ष करता है तो तवज्जो से सुनिएगा फरमाया मैं कुछ आपनू मोती अर्ज करना चाहना सिर्फ आवाज सुन के ना खुश होया करो कम अज कम कुछ अपना अकीदा भी सुनो और अहले बैत की मोहब्बत भी सुनो हाँ बड़ी मेहरबानी बहुत बड़ा शुक्रिया मेरा ईमान तकीदा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हाँ अहमद रजा दे दर्द नौकरा ना राफजिया ना नासबिया ना खारजिया मैं हुजूर दी अहले बैत दा भी गुलाम हाँ हुजूर दे सारे सहाबा दा नौकर हाँ सारे सहाबा दा नौकर हाँ तवज्जो से सुनिए फरमा प्यारे हबीब ऐलान कर दो मिठी जी जबान नाल फरमा दो या अल्लाह की ऐलान करना है फरमा मेरे प्यारे हबीब अपनी उम्मत की ऐलान उलमा ते शरीफ फरमाने में दुआ मदा तालिब हूं मेरे भाई गौर से सुनिए फरमाया प्यारे हबीब ऐलान कर दे इन्हें कह दे ओ लोगो नमाज का बदला देना चाहते हो मैं सैयदों से डॉक्टर साहब की
मेरे जितने भाई बैठे हो दुआ लेना, बड़ी मेहरबानी आप सब। गौर करना, महबूब ऐलान कर दे इन्हां विच, या अल्लाह की ऐलान फरमाना है। फरमाए नमाज का बदला, ज़कातां का बदला, सखावतां का बदला, हज ज़कात का बदला। मुख्तसर कर रहे हैं, अगर देना चाहते हो तो की करे आज, इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, मेरे करीबियां नाल मवद्दत करे आज, खुदा जन्नत अता फरमा देगा। ये आयत उस वक्त नाजल हुई है किबला शाह जी, उस वक्त इस आयत करीमा दा शाने नुजूल है। अस्हाबे अंसार सहाबा किबला शाह साहब, जरे भाई खालिद साहब हुजूर दी पाक बारगाह दे अंदर बैठे, तुसी परेशान ना हो, मैं कुछ कहना चाहना भाइयों नो, इंशाल्लाह तुहाडा ईमान ताजा हो जाएगा। हर फुल दी खुशबू अपनी, मेरा भाई किबला शाह साहब ने पढ़िया, मेरे सैयद दे लबन दी खुशबू अपनी, मेरे छोटे भाई ने पढ़िया, इन्हां दे पढ़न दे लबन दी खुशबू अपनी, हर पढ़ने वाले दे मोहब्बत भरी खुशबू। अल्हम्दुलिल्लाह असी सारे हुजूर दी औलाद दे नौकर बैठे हैं, जनाब अबू तालिब तो लेके जनाब इमाम हुसैन बादशाह तक, बड़ी मेहरबानी असी सारे दे नौकर। अगर बैठे हो तो बोलो, अगर नहीं तो थोड़ी मेहरबानी घर टुर जाओ, बने थोड़े तो राजी हाँ। जरा है जिंदा तो एक बार हुसैन बादशाह के नाते सुभान अल्लाह ऊंची आखो, जरा प्यार से बैठा ऊंची है, बस सुभान अल्लाह बोलो जरा। शामी ने गिरा में कदर हजरात, सहाबा मेरे नबी दी बारगाह च बैठे ने, भाई वारिस अंसार सहाबा। देखो ना जब बंदा कोई शायद पढ़ता है, ये मैं चादर फड़ी है, ये लंबी सी, ये 5 मीटर सी, 10 मीटर सी, इधे विच मैं 2 मीटर कटाई है, मैं पहन के बैठा, मैंने पता होवे इधी इब्तदा कितनी हुई है, इधी इंतहा कितने पे गुजरती है, और कदू किसी का बाज सुनिया जाए पता होना चाहिए खतीब ने की पढ़िया की सुनाया तो की दसिया। मैं कुरान च पे दसना के मुहम्मद की आल का मकाम की है यार, मुस्तफा दी अहले बैत दा मकाम कीए, अंसार साहबा मेरे नबी दी बारगाह च बैठे ने, अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह असी नमाजां दा बदला देना चाहने आ, ज़कातां दा बदला देना चाहने आ, सखावतां दा बदला देना चाहने आ। ज़हरा दा पाक बाबा फरमांदे ने, जरा ठहर जाओ, मैं अपने रब तो ना पूछ लवां, ओ कहंदा है ते मैं ले लवांगा, अगर वो रब आंदे ने ते मैं ले लांगा, अगर मेरा खालिक नहीं आंदा ते मैं नहीं लेंदा। मैं इख्तसार कर रहा हूं, हुजूर ने आसमान पर नजर उठाई, अल्लाह जानता है जब हुजूर की नजर उठी होनी है, जलवे हिजाब 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 सारे उठ गए। सरकार ने अर्ज की, या अल्लाह ए उम्मत ए कौम मेरे सहाबा ए मेनू नमाजा का बदला देना चाहते ने, तुहाडी समझ है कि नहीं, उलमा विच बैठे ने, मैं दुआ लेना चाहना, ज़कातां का बदला देना चाहते ने, आप साहब सखावत का बदला देना चाहते ने। मालिक लीला आवाज ही सोना नहीं, तुसी मंगण वास्ते नहीं आए, मुहम्मद वंडन वास्ते आया है। जिन्होंने समझ आई है बोलो, मैनु पता है मैं शेर पढ़ना सुर लानी है, मैनु पैसे भी आने ने, क्योंकि साड़ी कौम इस पासे लग गई है, मैनु इस चीज का पता है। लेकिन मैं खुदा रा खुदा रा खुदा रा इस चीज का मिजाज ना बनाओ, मिजाज ए बनाओ जब कुरान पढ़िया जाए, नबी की हदीस पढ़ी जाए, मिजाज ए बनाओ तो फिर खुश होवो, से कुरान भी सोना है, मुस्तफा की हदीस भी सोनी है। अगर मेरी गल तुहानू नहीं बर्दाश्त हो रही तो सुभान अल्लाह ना बोलो, अगर गल मैं सच्ची ते हकीकत की है ते मेरे सिदरा शरीफ के नौकर सुभान अल्लाह दर ऊंची आंख कर रहा हूं, इंशाल्लाह सदा आबाद रहे आप, सदा खुश रहे आप। मेरे मुस्तफा ने फरमा, मेरे सहाबा मेरे रब पे फरमांदे ने, इन आतैना कल कौसर, सोना असा तेनों कौसर दे खजाने दा बादशाह बनाया है, असे कौसर दे खजाने दा बादशाह बनाया है। महबूब तुसी मंगण वास्ते नहीं आए, तुसी देण वास्ते आए हो, वल्लाह खजाने मेरे ने वंडदा मेरा मुस्तफा है, खजाने मेरे ने वंडदा मुस्तफा है। पंजाबी बंदे बैठे पंजाबी जुमला कह लगा, बादशाह खजाने दा खुदा है पर कुंजी मुस्तफा दे हाथ विच, पर कुंजी मुस्तफा दे हाथ विच, कुंजी मुस्तफा दे हाथ विच। साहब अर्ज की, हुजूर दिल टूट जाएगा, दिल दुख जाएगा, आवाज दी सोना सहाबा दुख देने पे, दिल च तकलीफ हो रही है। फरमाए इन्हें कह दो, इन्हें सारियों का सिलाई देना चाहते हो ना, इंज करो फिर मेरे करीबियों नाल मुहब्बत कर लो, खुदा तरीका पे आदर्श है, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे
तहकीर। अल्लाह भी राजी, मुस्तफा भी राजी, तरीका खुदा ने दसा है कि जितने भाई बैठे हो रात पौने बारह का टाइम हो चुके हैं, मेरे वास्ते नहीं, शासा वास्ते नहीं, रजा बाबा जी वास्ते नहीं, आपसे फार नहीं, असि सारे अहले बैत की मोहब्बत बैठे हैं, उस कुरान की आयत अमल करके बैठी हैं, जड़ी आयत या खुदा ने फरमाई है या मुस्तफा की जबान हाल च निकली है, जबान हाल च निकली है। आओ अल्लाह का कुरान सुनो, मैं जनाब के मिजाज दे मुताबिक खिताब करा, जनाब के मिजाज दे मुताबिक तुझे ठीक कर रहे हो, जनाब के मिजाज दे मुताबिक खिताब करा, सुनो जरा। आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी लारे किताब कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, कुल ला أسألكم عليه أجرا عليه أجرا إلا المودة في القربى मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे गुलाम, जरा तवज्जो नाल समात करना, मेरे नबी कौन है अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले मेरे भाइयो, अल्लाह करीम ने अपनी लारेब किताब कुरान मजीद दे अंदर बयान फरमाया है, ऐ मेरे नजपाल नबी, ऐ मेरा सोना ते मनमोहना नबी, ऐ मेरा सोना ते मिठा ते माही ते मदनी नजपाल नबी, अपनी जबान च बोल, लब खोल मिठा मिठा बोल, अज लब खोलो मिठा मिठा बोलो, जरा मेरे हबीब या अल्लाह इलाल की करना है, फरमा इलाल कर दे, आज तेरी कौम तेरे गुलाम तेरे अस्हाब अंसार सहाबा तेरी बारगाह के अंदर बैठे ने, इन्होंने कह दे अगर तुसी नमाज का सिला देना चाहते हो, अगर जकातों का सिला देना चाहते हो, सखावतों का सिला देना चाहते हो, हज दिता अल्लाह ने नबी दे सदके, जनाबे भाई जब सब तवज्जो करियो, जनाबे चौधरी वारिस अली साहब गौर करना, मेरे नबी कौन है नल प्यार करने वाले हो, नमाज़ रब ने दितिया ने, अल्लाह ने पढ़िया कोई नहीं हुक्म दिता है, मेरे नबी ने नमाज़ पढ़ के प्रैक्टिकल के करके दसाए, अल्लाह ने जनाब जकात दिती नहीं, जकात का हुक्म दिता है, अल्लाह ने हज किया नहीं, तवज्जो करना मेरे बुजुर्गो, अल्लाह ने हज किया नहीं, हज का हुक्म होया है, मेरे नबी ने हज करके दसाया है, खुदा ने सजदा किया नहीं, सजदे का हुक्म किया है, मेरे मुस्तफा करीम ने सजदा करके दसाया है, ओ मेरे प्यारे नबी दे प्यारे गुलामो, मेरे लजपाल नबी मुहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने रुकू किया है, खुदा ने रुकू का हुक्म किया है, मुहम्मद ने प्रैक्टिकल रुकू करके चिश्ती साहब दसाया है, लजपाल नबी ने फरमाया मेरे सहाबा मेरा कलमा पढ़ने वाले हो, मुहम्मद की गुलामी का दम भरने वाले हो, अगर इन्हें सारिया नमाजा तो इबादत अज सिरा ही देना चाहते हो, इंज करो इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, मेरे करीबियन मवद्दत करो, मेरे करीबियन प्यार करो, मेरे करीबियन प्यार करो, और अगला हदीस मुस्तफा का जुमला सुनो जनाब, जब हुजूर ने ए मिंबर ते इलान फरमाया है, जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा सैयद हसन रजा शाह जी सुनया दे, हुजूर क़िबला आलम मेरे नबी दा पहला खलीफा, मेरे नबी दा पहला यार, मेरे नबी दा सोना सुसर, अम्मिया शाह सिद्दीका दा बाप जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, अर्ज करते नहीं या रसूल अल्लाह लाजपाल ओ कैरिया हस्तियां ने जिन्हों की मुहब्बत साढ़े ते फर्ज हो गई, जिन्हों की मुहब्बत साढ़े ते वाजिब हो गई है, और लोगो जबान में गुनागार दीजे, फरमान मदीने दे ताजदार मुस्तफा दाए हुजूर बाबा जी पीर सैयद नजीर हुसैन शाह जी, मेरी सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा ओ मेरा अली है, मेरी फातिमा है, मेरा हसन है, मेरा हुसैन है, नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत माशाल्लाह, ओ मेरा हसन मेरा हुसैन, मेरी सरकार ने फरमाया ये हुक्म अल्लाह वल्लों होया है, एवें तुसी नहीं बैठे, इवें गर्मी के मौसम मेरे मेहमान नहीं आए, हुजूर किबला सैयद शफीक हुसैन शाह साहब और मेरे दिक्कत किबला छोटे शाह जी जितने भी सदाते गिरामी बैठे हो, मैं दुआवां दा तालिबा हूँ, अल्लाह की इज्जत जलाल की कसम उठा के आख रहे हो, तानी चक के अंदर मल्ला हसनाबाद शरीफ के अंदर
मेरे बाबा जी दे उर्से मुबारक च बैठने वालों ईमान ताजा हो जाएगा। मैं सिर्फ मौला हुसैन पढ़ना है कि हुसैन की अजमत शान की है। मेरे भाई जनाब कमली वाले आका करीम के सहाबी ने जो पूछे आए हुजूर ने फरमाया जिन्हों की मुहब्बत ताडे पे वाजिब है ओ मेरा अली है मेरी फातिमा है मेरा हसन है मेरा हुसैन है। सहाबी रसूल अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह लजपाल अगर असी मुहब्बत करिए सानू की मिलेगा। फरमाया मैं मुहम्मद का वादा हो गया जिन्हें मेरी अहले बैत नाल मुहब्बत रखी मुहम्मद खुदा को जन्नत लेके दे देगा खुदा को जन्नत लेके देगा। कहीं तो साडा ईमान ते अकीदा ही है अजमत आले नबे भूल न जाना जिन्हों भूल गई इतने ना बोले अजे अजमत आले नबे भूल थोड़ी अजमत आले नबे भूल न जाना जड़ा जड़ा आले नबी नाल प्यार करता है एक बार हाथ लहरा के सुस्ती खत्म करके शैतान नूं नसाओ आखो तेरा अजमत आले नबे भूल अजमत आले नबे भूल जाना लोगो अजमत आले नबे अजमत आले नबे भूल न जाना लोगो देखना गया की बात में नया जिन्हों के हाथ मेरे जया सैयदना सिद्दीक अकबर दूचे ने ओ ना उठाया जे जिन्हों के हाथ मौला फरूक आजम दूचे ने ना चाया जे जिन्हों के हाथ मेरे हाथ गाजी अब्बास दूचे ना चाया जे जिहड़ा अली अकबर का नौकर बैठा है एक बार हुसैन के ना ते पहली ते आखिरी वारी आख अजमत आले नबे भूल ना जाना आले नबे जी 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 अजमत आले नबे भूल ना जाना लोगों अजमत शेर सुनो मेरे पीर भाइयों अगर कोई अगर कोई सुन्नी का तारफ पूछे अल्लाह क्या कहोगे शाजी मैं गदा जहारा भाई साहब मैं गदाए जहरा हूँ ये बताना लोगों जरा गदाए जहरा बोले ना आखिरी बारी जबान खोलो मैं गदाए जहरा हूँ जी 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 मैं गदाए जहरा हूँ ये बताना अर्ज कर रहे हैं मेरे भाई हो तुहाड़े वास्ते नहीं अपने वास्ते आख रहे हो हजूर किबला पे सब इको खत्म बिल्कुल सादी आवाज मेरे मुस्तफा करीम के गुलामो जनाब आका करीम नाल प्यार रखने वालों एक दिन ऐसा आना है मैं दसना चाहना मैं गदाए जहरा हूँ एक दिन ऐसा आना है मेरी जनाब दुनिया तो जान लग्या मेरी रूह निकल गए हजूर दे गुलामो दोस्त अहबाबा संगियां बेलियां अज गुसल दे के जनाजा पढ़ाया है जदों कब्रिस्तान दफन किया
आए 70 मन मिट्टी थले अज मौलवी अमानुल्ला सवागी 70 मन मिट्टी थले टुर गया है अज मां नाल नहीं गई अज बाबा नाल नहीं गया अज यार संगी सजन बेली नाल नहीं गए अज शगिर्द नाल नहीं गए अज हाथ चुमन वाले कबर च नहीं गए अज मत्था चुमन वाले कबर च नहीं गए अज जिना जनाब गली तो लैके इत्थे तक इस्तकबाल कीता है उन्हां विच कोई मेरा दोस्त कबर च नहीं गया अज मां भी घर रो रही है अज बाबल भी घर रो रहा है अज यार सिंगी बेली हुण दा जिहड़ा दौर है अज मोबाइल ते जना फोटोआं बना के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मौलवी साहब फोत हो गए ने भाई मेरे आका करीम दे गुलामो किसे ने जनाब दुआएं करनी है मेरे आका दे गुलामो जदू फकीर ने कबर च टुर जाना है खुदा दी कसम है सवाल होना है मन लब्बू का तेरा रब कौन है दूजा सवाल है मां दीन का तेरा दीन की है तीजा सवाल होना है मां कुंत तकूल फी हक्की हाजर रुजुल ए दस दुनिया ते मुहम्मद दे बारे की आंदा होंदा से अगर तुसी जिंदा बैठे ते बोले जे जिंदगी वाला बंदा बोले क्योंकि जब बंदा जिंदा बैठा होवे उदी जबान भी हरकत करदी है उदा जिस्म भी हरकत करदा है उदे हाथ भी हरकत करदे ने अगर जिंदा सलामत मौला जिंदगी देवणे एक बारी तेरा मेरे हुसैन दे नाम ते सुभान अल्लाह उच्ची आवाज नाल थोड़ी आवाज मेरी सरकार दे दीवानो जनाबे मौला हुसैन लजपाल दे नोकलो मैं गुजारिश कर रही हूं शाह जी भाई वारिस साहब मेरे वीर जी गौर करे आजे कबर च सारियां जाना है अमीरां भी जाना है गरीबा भी जाना है बादशाहां भी जाना है जब फरिश्ते भाई हसन मैनू सवाल करना है दसो मौलवी जी मा कुल तकूलो फी हक्की हाजर रजुल मुहम्मद दे बारे की आंदा दसे अल्लाह दी कसम मैनू यकीन है मैं इत्थे भी आले बतूल दा नौकर उत्थे भी आले बतूल दा नौकर मैं कबर च खड़े हो के आखना है फरिश्तों की पूछना चाहते हो अगर फरिश्ता है अजल अगर फरिश्ता है अजल मुझसे मेरा तारफ पूछे मैं की कहने मैं गदा जहारा हूं नहीं 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 मैं गदा जहारा हूं इंदोटा दी खातिर ना बोलिया जे अगर है जहारा दे गुलाम दे आखो मैं गदा जहारा हूं मैं गदा ये बताना लोगों माशाल्लाह मैं गदा आई मेरे भाई मैं गुजारिश कर रहा एक बारी कह लो फिर अगली गल मैं गदा जेड़ा है तो मैं एक बारी ज़ियारत करा दो मैं गदा जहारा हूं मेरे छोटे भाई मैं गदा जेड़ा है तो इंज करके आखो मैं गदा जहारा मैं गदा حضرت گرامی قدر فرمایا انہاں دی محبت تہاڈے تے واجب انہاں دی جناب علی جناب فاطمہ جناب حسن جناب مولا حسین ماشاءاللہ مولا حسین بادشاہ اج لگدا شاید ایتھوں ولگن سوہاگل تک اٹھرالا ہی لنگ گیا خیر نال جڑے بولدا ہی نہیں پیدر اونچی آکھو اک واری سبحان اللہ گرامی قدر حضرات مولا حسین بادشاہ کون حسین زبان سیدنا فاروق اعظم دی عظمت حسین بادشاہ دی
जड़ा हुण भी नहीं बोलिया मैनू उसके बैठण दे अफसोस होया। मस्जिद नबवी शरीफ हजरत रसूल अरबी कायनात दा बादशाह मिंबर ते बैठे बेटा दिल करे तो सुभान अल्लाह कहना तरला हुण मैं भी नहीं करना तुहानू। मिंबर रसूल ते ज़हरा दा पाक बाबा बैठा है कोई मस्जिद दा मौलवी नहीं खुदा दी कसम मिंबर रसूल ते बैठा है जिन्हों रब ने कायनात दे हर नबी दी सरदारी दा ताज मुहम्मद दे सर ते रखा है। जवेद भाई सरदारी दा ताज चिश्ती साहब भाई डॉक्टर साहब सरकार बैठे ने जनाब सैयदना पाक फरूक आजम मेरे हुजूर दा चेहरा पे वेख दे ए बुजुर्ग बंदे सुनो जरा हुण मैनू हुजूर दा चेहरा पे वेख दे तकदियां तकदियां ना हुजूर ने तीन मरतबा किबला शाह जी दरवाजे वाल वेखिया मस्जिद नबवी शरीफ दे मेन गेट थी मेन गेट थे अब साहब सरकार ने तकिया एक नौ साल का बच्चा नौ साल का बच्चा कदी मस्जिद के सज्जे जाता है कभी खब्बे बैंदा है तो बेटा बैठ जाओ कदी मस्जिद के सज्जे जाता है कदी खब्बे जाता है। हम अगली गल सुनिया जे आप साहब जनाब सैयदना फरूक आजम फरमाते ने हुजूर ने मिंबर छोड़िया सुनो सैयदां दे जिहड़े गुलाम होंदे ओ बोलो जिन्हां दे पीर सैयदजादे ने सुभान अल्लाह उच्ची आखो जरा माशाल्लाह आपको अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई तशरीफ फरमाए असी सारे निस्बत वाले मेरे भाई बैठे हो अलहमदुल्ला साड़ी निस्बत सारे दी पाक ने क्योंकि सिर्फ निस्बत इब्तदा तो इंतहा तक इब्तदा भी मदीना है तो इंतहा भी मदीना है इंतहा भी मदीना है इब्तदा भी मदीना है। जनाबे गिरामे कादर जनाबे सैयदना पाक फरूक आजम फरमांदे ने हुजूर उठे सरकार चलदियां चलदियां ना उस बच्चे नो बुलाया इस बच्चे नु सीने नाल लाया हुजूर ने उस बच्चे दी गल्लां चुमियां सरकार ने उस बच्चे दी गल चुमी हुजूर ने उस बच्चे दे हाथ चुमे ए मैं नहीं आंदा आलम फकरी ने किताब लिखी है जिदा नाम है हुब्बे आले नबी हुब्बे आले नबी खोलो पता लगे सरकार ने हाथ चुमिया सैयदना पाक फरूक आजम दी अखां च आंसू आ गए हाय 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 शाह जी रो के अर्ज करदे ने मदीने वाले काश अज मेरा बचपन होंदा मुहम्मद दा सीना होंदा फरूक दा मत्था होंदा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीर नारे हैदरी मैं नारा लाना नारे तकबीर जिन्हा दे है हाथ ते एक बार सज्जा हाथ बाद जाके नारे रिसालत तुम्हें हाथ पे नारे रिसालत नारे तहकीर मैं हुण एक बार आखना ते फिर वही जोश होना चाहिए नारे हैदरी नारे हैदरी बहुत शुक्रिया समझ आ रही है आवाज सब बिल्कुल इको खत्म आवाज सादा कर दे ताकि माशाल्लाह साउंड कमाल चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह कमाल हो गया है लेकिन अंदर की जगह ऐसी है विश्वास है ताकि बुजुर्गों को दिक्कत ना हो मकसद है कुछ पेश करना माल तो मैं शाम पीरां कोलों उंजी लै लेना है जब तू फेरे ते आने दो चार बार टुकर खा लेने चार पांच हजार पीरां दा लग जांदा सी उंजी कढ लेना है असी भी मौलवी असी माफी देने लगे हैं तो मेरे भाई गौर करो जरा सैयदना पाक फरूक आजम रोंदे ने पाए हुजूर ने मत्था चुमिया इंज हाथ जोड़ के ना किबला हाफिज साहब जनाब उमर पाक सरकार दी बारगाह सोना ये बच्चा कौन है ये बच्चा कौन है ये मुंडा कौन है ये छोर कौन है ये बेटा किसका है भाई क्या नाम है आपका नवीद साहब माशाल्लाह मुझे समझ आ गया मेरे भाई छोटे यकीन से ये बेटा किसका है पुत्र कीदा है छोर कीदा है मुंडा कीदा है ये बलूंगड़ा कीदा है ये तो समझ नहीं मैं की आखिया है मैं हर बोली तुम बोल छड़े है बेबच्चा कीदा है मियां वाली आदर पुत्र कीदा है
हमारे पंजाब उर्दू में कहते हैं ये बेटा किसका है, जनाबे फरूक आजम पूछते हैं सोना है बच्चा किना दा है। हुण तुसा अगर थाम के दिल सुनो तो मैं गल करा, मेरी करीम ने फरमाया इंदा बाबा कोई नहीं ए यतीम है। सैयदना फरूक आजम रो के आंदे ने हुजूर फिर तुसा सीने नाल लाया, फरमा उमर जिन्हां दा कोई नहीं होंदा उन्हां दा हुसैन दा नाना मुस्तफा बन जांदा है, जिन्हां दा कोई नहीं होंदा। आओ मेरे आका करीम दे गुलाम जरा गौर ते तवज्जो नाल गल सुनया जे, जनाबे आका हुसैन लजपाल नाल प्यार फरमाने वाले हुण मैं ज्यादा तकलीफ नहीं दियां गे अपने वीरां नूं, तुसीं बोलो या ना बोलो, मेरे पाक हुसैन दा जिक्र सुनो दिल करदा ते बोली जाया जे, ना दिल करे ते खामोश होके मेरे पाकां दा जिक्र सुनना। पंजतन पाक दे असीं सारे गुलाम बैठे हां, जनाबे सैयदना पाक फरूक आजम सरकार आंदे ने सोना बच्चा बड़ा खुश नसीब है, बड़ा बख्तां वाला बच्चा है जिन्हों सोने मुहम्मद करीम ने भाई अदील सीने नाल लाया है। अज किसे नो अपना पीर सीने नाल लावे बंदा अपने बख्तां ते नाज करदा है, जिन्हों जनाब बगदाद दा लाड़ा हुजूर सैयद बाबा जी अनवर हुसैन शासक गिलानी अल बगदादी अल कादरी सीने नाल लाउण बंदा अपने बख्तां ते नाज करदा है, जिन्हां नो गौस आजम सरकार सीने नाल लाउण बंदा अपने बख्तां ते नाज करदा है, और जिन्हां नो हुजूर दा तगन बख्श अली हिजवेरी सरकार अज सीने नाल लाउण बंदा बख्तां ते नाज करदा है, और किसे नूं जनाबे हुजूर ख्वाजा मुहम्मद बिन अमीरुद्दीन कोटलवी साहब सीने नाल लाउण बंदा अपने बख्तां ते नाज करदा है। किबला अज किसे नूं अल्लाह दी कसम है हुजूर जनाबे मियां शेर मुहम्मद शरपुरी शरपुर दा ताजदार सीने नाल लाओ बंदा अपने बख्तां ते नाज करदा है। ओ मेरे बाबा जी सैयद मुहम्मद हनीफ शाह साहब दे उर्स च आउण वाले हो, हुजूर सिदरा शरीफ दे नौकर दी गुलामी च बैठने वालो, जरा जुमला सुनया ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे लजपाल नबी ने फरमा पुत मेरे उमर ए यतीमा दा बच्चा है, जिन्हां नाल कोई प्यार नहीं करदा उन्हां नाल मुहम्मद प्यार करदा है। हुण हदीस मुस्तफा सुनया जे जरा, जनाबे फरूक आजम फरमांदे ने एक दिन गुजरिया दो दिन गुजरे तीन दिन गुजरे चार दिन गुजरे ने मेरे भाई जान, किबला शाह साहब जदों चार दिन गुजरे ने अज मदीने दे बाजार च मौला हुसैन अज छोटी जी उम्र सत अठ साल दी जनाब उमरे फरूक फरमांदे ने हुसैन रोंदे रोंदे आ गए। आपने पूछया जनाब प्यारे चाचू उमर ए ते दसो अज मेरा यार चार दिन तो खेडन नहीं आया, मेरा यार किथे वेया, मेरा यार किथे वेया। हुसैन बादशाह दे सामने जनाब फरूक आजम हाथ बन के आंदे ने लजपाल अज चार दिन हो गए ने मैं भी नहीं वेख्या तुहाडा यार गिरौंड च आया कि नहीं आया। मेरी सरकार को जनाब उमर पुछदे ने हुजूर तुसा इस बच्चे नु इतना प्यार क्यों कीता सी, मेरे नबी ने फरमाया मेरे उमर ए ओ बच्चा है जिन्हों कल मैं अपनी अखियां नाल वेख्या है, जिथों जिथों मेरा हुसैन गुजरदा रहा है हुसैन दे पैरां दी मिट्टी चाके ए बच्चा कभी अखां ते लांदा है कभी सीने से लादा है कभी चुम के आंदा हुसैन तेरे कदमा दी मिट्टी मेरे अखां दा सुरमा है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे उमर जड़ा मेरे हुसैन इजदा प्यार करे उदे नाल जहरा दा बाबा इजदा प्यार करदा, जहरा दा पाक बाबा इजदा प्यार करदा है। फिर आखो ना एक बारी जड़ा खुश होके बैठा है अजमत आले नबी भूल न जाना लोगो, अजमत आले नबी भूल न जाना लोगो, अजमत आले नबी भूल न जाना लोगो, ओ देखना है वो की बातों में नया ना लोगो, एक बारी तो इज तो मेरे नाल इज कर के आखो ना देखना है वो की बातों में नया ना शाह जी बड़े प्यार दा शुक्रिया। हाँ देखना खैर की बात हो अगर कोई हमसे
हम गदाओ सहारा है, हम गदाओ सहारा है, ये बताना उसे लेके आओ मेहरबानी बड़ी तवज्जो तवज्जो है के सौ गए हो अगर समझ आ रही तो सुभान अल्लाह बोले आज अगर नहीं तो दुआ मंग लेने या अल्लाह जरा उच्ची सुभान अल्लाह बोले मौला हुसैन का दीदार मौला हुसैन बादशाह दी जियारत अगली गल सुनिया जे मेरे भाई मोहम्मद हाफिज असगर अली हसनी साहब मेरे किबला सैयद रजा शाह जी भाई राशिद हुसैन साहब गौर करना बाबा जी मैं तेरे आसमां तू कुर्बान जावा जुमला सुनिया जे जरा जनाबे आका हुसैन फरमांदे ने अज चार दिन हो गए मेरा यार नहीं आया मेरे मौला हुसैन ने जदों उमर पाक नु पुछया है मेरे भाई थोड़ी तवज्जो है कि नहीं जनाबे उमर नु जदों पुछया है आप सरकार फरमांदे ने नहीं आए आप खरामा खरामा हौली हौली आहिस्ता आहिस्ता चलदियां चलदियां उस बच्चे दे दरवाजे ते पहुंच गए ने उस बच्चे दे दरवाजे ते गए ने मेरे भाई जदों दरवाजे ते पहुंचे ने मेरे आका हुसैन अज मां पुत्र नु आवाज भी देंदी है वे बेटा उठ जा वे बेटा उठ जा अज मां ने तीन वारी आवाज दिती है अज बच्चा उठदा नहीं इज जदों चौथे वारी आवाज देन लगियां ने अज दरवाजे ते दस्तक हुई है बीबी पुछदी है कौन फरमाया मैं अली दा पुत्र हुसैन माशाल्लाह नारे हैदरी बहुत शुक्रिया मेहरबानी बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब जनाब इमाम अली मकाम ने कुंडी खटखटाई है बीबी दरवाजे ते आई वेख्या है दरवाजे दी मोरे चो हुसैन बुए ते आया ते आंदी मेरी किस्मत बदल गई गर्मी बहुत शिद्दत है मेरे भाई और 10-15 मिनट लेन लगा गौर न सुनिया जे मेरे सरकार आका हुसैन इंज दरवाजे ते खड़े ने बीबी दौड़ के गई इंज मुंडे नो फिर आवाज दी मुंडे नो फिर आवाज दी आदिल भाई उठाया बच्चा उठदा नहीं सजे फेरया पुत्र सजे फिर गया खप्पे फेरया बच्चा खप्पे फिर गया है ओ मेरे भाईओ बीबी ने जदों कन पुत्र दे सामने डाल लाए वे साह परवाज कर गए आखिर मां मां दा कलेजा फट गया मैं मां दे दर्द केड़े लफ्ज़ नाल बयान करा ओ लोगो जदों मां ने पुत्र दी रूह परवाज़ कीती वेखी इज अपनी चादर सर तो उतार के अपने बेटे दे सर ते दे के आंदी है अगर मैं जाके हुसैन बादशाह नूं दसिया कि मेरा पुत्र फौत हो गया है बीबी आंदी ने एक दिन मैं मदीने दी गली च गुजरदी पई सां मदीने दी गली च गुजरदी पई सां हुसैन बादशाह दे रोण दी आवाज आई हुसैन बादशाह दे रोण दी आवाज आई ते मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बतूल बेटी शहजादे जुमला सुने जे बाबा जी फरमाओ मेरी बेटी मेरे हुसैन नु ना रोण दिता कर जदों मेरा हुसैन रोंदा है मुहम्मद दे दिल नु तकलीफ होंदी है ए बीबी दे गल ज़हन च आ गई अगर मैं अज दसिया मौला हुसैन तुहाडा यार मेरा पुत्र फौत हो गया है हुसैन लजपाल दी अखां चों आंसू आ जाणगे इंज पुत्र नु जनाब चादर पा के अज बीबी दरवाजे ते गई है सुनना मेरे भाई हुसैन दी गुलामी लेके रात 12:15 बजे तक अल्लाह दे इस प्यारे घर च बैठने वालो भाई अता तवज्जो मेरे वल मेरी जान जनाबे खुदा दी कसम उठा के आखरियो ओ मेरे सैयदा दे गुलाम गोले शरीफ दे नौकर गौर नाल सुनया जे अज बीबी रो पई इज दरवाजा जाके खोलिया है मेरे मौला हुसैन ने पुछया है ओ बीबी मेरा यार किथे बीबी मेरा बेली किथे बीबी मेरा यार किथे अज बीबी झूठ नहीं बोलिया अल्लाह ने इन्हां नूं पुत्र दिता बड़े अरसे दराज बाद इन्हां नूं पुछो पुत्र दी की कदर हुंदी है यार अज मां दा पुत्र ते फौत हो गया है अज हुसैन बादशाह वेड़े च आ गए ने जिहड़े सदा दे गुलाम सुनिया जे तेरा खौर नाल मेरे आका हुसैन सरकार आए ने फरमाओ बीबी
तेरा पुत्र किथे वे बीबी आंदी है हुजूर अज मैं त्रै बारी आवाज दिती है बच्चा बोलदा नहीं बच्चा बोलदा नहीं मेरे हुसैन फरमांदे ने ओ मैनू उस हुजरे च लै के जा जिथे मुंडा लेटिया होया है जदो बच्चा हुसैन दे सामने आए हुसैन बच्चे दे सामने आए आपने आवाज दे के फरमाया है ओ मेरे यार उठ जा अज हुसैन तेरे घर तेनू मिलन आया होया है नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी हैदरी नारा गौसिया अल्लामा फकरी फरमाते हैं मेरे हुसैन ने बादशाह इन बच्चे दे सर तो चादर लई जद चादर लई है बच्चा उठया है उठ के हुसैन दे कदमां नूं चुम के आंदा अजमत आ ले नबे भूल न जाना लोगो जड़े हुण तक भूल गए जिन्हां नूं कदर आखिया जे अजमत आ ले नबे नवीद भाई तवज्जो करना अजमत आ ले नबे अजमत आ ले नबे भूल न जाना लोगो देखना है की बात में ना आना आखिरी बारी आंखों मेरे किबला हाजी शाह आ जाओ मेरे बाबा जी अगे तशरीफ ले आओ अजमत आले नबे मेरे लजपाल आख करीम दे गुलाम बहुत शुक्रिया जनाबे लजपाल इत्थे आवे साहब मौला हुसैन बादशाह सरकार इस बच्चे नु लेके हुजूर तवज्जो दा तालिबा मदीने दी गलियां च थुरन लग पाए मदीने दीआं गलियां च घुमण लग पाए माशाल्लाह मदीने दीआं गलियां च घुमदियां घुमदियां अज बीबी मदीने च ऐलान करके आंदी है तवज्जो मदीने च ऐलान करके आंदी है ओनी सहेलियो ओनी संगियो ओ मेरे नाल प्यार करने वालियो मेरा पुत्र फौत हो गया सी पर अज मेरे हुसैन ने मेरे पुत्र नु जिंदगी अता फरमा दिती फिर आखना पवेगा नबी का घराना बड़ी शानवाला जी 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 अदील भाई नबी का घराना बड़ी शानवाला जरा पढ़ना चाहता थे बोलो ए मैं शेर सैयद अस्ताने ते पढ़े आए हुण तक पूरी दुनिया पे सुनदी है नबी का घराना बड़ी शान वाला नबी का घराना बड़ी शान वाला आ मेरे बुजुर्ग तशरीफ लिया और वक्त ज्यादा नहीं लेंदा एक बारी आखो जरा नबी का अदील भाई अल्लाह थोड़ी मोहब्बत नु सलामत रखे हाफे जी जरा इत्थे शफकत करनी है ते इना दी आवाज आवे नबी का जिन्हां नु चंगा लगदा बोलो पुत्र तू भी बोल दे सवेर दा तेनू कहण दे आ नबी का घराना अल्लाह है ये आस्ताना सुनो जेड़ा जेड़ा पांच वक्त की नमाज पढ़ते हाथ उठाओ जरा माशाल्लाह जेड़ा नमाजी है माशाल्लाह मसीते झूठ ना बोले अजे चलो जेड़े कदी कदी जुम्मे ते जांदे हो हाथ चुको जिन्ना हुजूर दी आल ते कलमा पढ़ के ना हुजूर दी आल ते दरूद पढ़ते हो जरा हाथ उठाओ जरा ए हाथ थले नहीं रखने माशाल्लाह वेखना जरा ज़ियारत कराओ मैनू हाँ माशाल्लाह नबी दी आल हाथ ते रखने ने नबी दी आल नु तुसी नमाज च आंदे हो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद आला है ते यार नमाज पांच वक्त च आला कह के ते हुण की तकलीफ हो रही है आखो हां जरा हां नबी का घराना
अवैश शाह है आस्ताना बड़ी शान वाला नबी का घराना शान वाला। और पहला शेर से आखिरी मोहब्बत वाला सुनो, कसम 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 खा कर कहता हूँ यार सैयद में नौकर बोले आज है ज़ैनब का नाना बड़ी शान वाला ज़ैनब का नाना बड़ी शान वाला। बस उस तो बाद में हुसैन बादशाह दी पाक बारगाह च सलाम अकीदा ते आंसुआं दे नजराने पेश करके इजाजत। एक बारी आखो रबी का घराना शान वाला। सुनो सुनो सुनो, जब तो मां ने दसिया ना मेरा पुत्र जिंदा हो गया है, ते कीता किने वे? फरमाया मौला हुसैन ने, मैं हुसैन पढ़ रहा हूं। किने कीता है? मौला जिन्होंने मौला तो पीड़ उठती हो ना बोलो, बाकी ते बोलो ना मौला। मेरे कंबो बिरादरान, मेरे बाबा जान, मेरे भाई तशरीफ लिया, बोलो मौला हुसैन। मस्जिद च आवाज आए मौला हुसैन बादशाह। बीबियां कहन लगियां कमली हो गई है, पीर भाई कमली हो गई है, कदी मुर्दे भी जिंदा होए ने? बोलो तो सही, साढ़े जिंदा नहीं बोलते, कदी मुर्दा भी जिंदा होए ने? बीबी कहन लगी गल थोड़ी ठीक है, सुम युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। जिंदगी और मौत का मालिक खुदा है, हयाती भी वही देता है, जिंदगी भी बोलो जिंदगी भी वही देते हैं। फरमा बीबी पर तू किवें आनी है? मेरा मुंडा उठया है। फरमा झलिया सुनो मेरी भोलिए भेणा सुनो, उठान वाला हुसैन होवे की सुनन आयो? मैं तनु हुसैना तीर आला हुसैन सुनावा तो फिर बोलोगे, मैं तुम हुसैन बादशाह की अजमत सुना रहे हैं। जरा हुसैन हाफ साहब की बिला बेइंसाफी नहीं, मैं तीर आला हुसैन सुनावा तो लोग खुश हो, मैं हुसैन की अजमत ना सुनावा तो बंदा ना बोले तो दुख लगता कि नहीं लगता यार? उठान वाला हुसैन हो जिंदगी मौत च मौत जिंदगी च बदल जाती है। उस दा नवासा है, सुनो एक जुमला, उस सोने नबी दा नवासा है जेड़ा उंगली दा इशारा करे चन टुकड़े करके अपने कदम च रख दे, मुहम्मद दे कंधियां ते खेडण वाला है, मुस्तफा दे कंधियां ते खेडण वाला है। एक निक्की जी फजैल दी और बात, शायद तुसे किसे को नहीं सुनी होनी, मैं दावे नाल पे आना। मौला हुसैन बादशाह दा बचपन गुजर गया, मैं एक एक करामात आप दी बयान करता चला तो सारी जिंदगी मेरी गुजर जासी। हुसैन बादशाह दा मकाम ते जिक्र खत्म नहीं हो सकता। 56 साल 6 महीने 5 दिहाड़े मौला हुसैन बादशाह दी उम्र है। कितनी? 56 साल 6 महीने किसे 5 महीने भी लिखी गई, 5 दिहाड़े आप दी उम्र मुबारक है। बचपन तो लैके 56 साल की उम्र तो उत्ते तक मदीने च बात मशहूर सी, आ जरा शहजादा अली दे घर पैदा होया ना, इन्हें एक दिहाड़े रसूलुल्लाह दे दीन तो कुर्बान हो जाने। बड़ी मोहब्बत वाली बात अर्ज कर रहे हैं, सिर्फ खुश नहीं होना और अपने हुसैन मौला ते राजी होके भी जाना है। तू ना भी राजी हो तो हुसैन बादशाह इंशाल्लाह जरा जबान मुझे हुसैन का जिक्र करता है अल्लाह तआला दा रसूल उदे ते राजी होता है। हाय पाक हुसैन बादशाह मदीने पाक की धरती दे विच हजरत अबू हुरैरा जैसी हस्ती वाला वकार मदीने पाक की गली दे विच एक दिहाड़े हुजूर तो सुनिया कि हुसैन बादशाह नामे दे दीन तो कुर्बान हो जाएगा। अल्लाह हू अकबर,
कुछ लोग ऐसे भी कमीने लगे फिरदे ने जिन्हां नूं बहुता इलम चढ़ जावे ना फिर उन्हां नूं हैज़ा छेती हुंदा है क्योंकि जो हांडिया ज्यादा देर अग ते खलोवे फिर उहदे विचों बदबू आउण लग पैंदी है दो चार दिहाड़ियां वाली जिदे ते इलम दा हैज़ा ज्यादा चढ़िया होवे फिर वह अजकल यज़ीद की वकालत कर रहा है कि हुसैन तो सिर्फ कुर्सी की खातर गया किसी चंगी लगे न लगे मैं बचने मुहम्मद के आल के घराने की गल कर रहा हुसैन कुर्सी की खातर गया जवेद भाई सुबह तो लैके शाम तक हजार बंदे प्रॉपर्टी डीलरी के अंदर डील कर दो जरा गल तवज्जो नाल मेरे भाइयों को गौर करना जेड़ा बंदा इस चीज का तजर्बा रखता मैं उहदे गुजारिश कर रहा जिसने मोढ़ियां ते बह के हुजूर दियां जुल्फां च हाथ मारिया होवे सवारी ते बैठा होवे ते उमर जैसी हस्ती आके वाह हुसैन क्या खूबसूरत तेरी सवारी है मेरे मुस्तफा फरमांदे ने उमर तेनू सिर्फ सवारी नजर आई है कंधियां ते बहण वाला हुसैन सवार नजर नहीं आया। अच्छा अच्छा ए कुर्सी उच्ची है या मेरे कंधे उच्चे ने गुंगा बंदा ना बोले जेड़ा दूरों दराजो माना वाले चो फलां फलां चक्कन चो आए उन्होंने पता है भी मैं जिथे बैठा ए सोफा उच्चा है या मैं उठा ते मेरा सर उच्चा है। शाहजी बैठे ने कुर्सी नीवी है शाह साहब दा सर इस तो उच्चा है जदों बंदा खड़ा होंदा है ईमानदारी ने दसो ए कुर्सी तो डबल उच्चा हो जाता है। हुसैन मुहम्मद दे कंधियां ते बैठा है एक दिन मौला अली बैठे सन जदों आपने पुत तोड़े ना तो सरकार ने फरमा अली दसो हां कित्थे तक हाथ पहुंचया है अर्श कदे सोना इजाजत देवे अर्श दे किंगरे पुट के मुहम्मद दे कदमां च ना सुट दे जरा एक बार नारा लगवा दो जरा माशाल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी बस बहुत शुक्रिया। ईमानदार ने दसो जरा हुजूर दे कंधियां ते बैठा हो इतना उच्चा उन्हें हाले भी कुर्सियों की लोड़ सी अके हुसैन जदाद वास्ते गया है। मैं एक प्यारा जहा जुमला कह के अगे चलना जिस हुसैन दी खिडौने का नाम जन्नत हो जिस बादशाह दे गिरौण दा नाम जन्नत होवे उसनो जदादा दी की लोड़ सी जमीना दी की लोड़ सी अल्लाह दे नबी ने हुसैन बादशाह दे भाई हसन नु इलम अता फरमाया हुसैन नु सखावत अता फरमा के दसिया इलम अता फरमा के आओ मेरे भाई हो जनाबे आका करीम अलैहिस्सलाम नाल प्यार करने वाले हो अगर रोण की गल है तो सारे फिरा मिलके हुसैन दी पाक बारगाह दे अंदर अखां दा नजराना ते जनाब आंसू पेश कर दियांगे अगर हसन दी बात है तो सारे बेली रल के हसते रहांगे यार मेरे करीम आका हुसैन लजपाल मशहूर हो गए अज मदीने दियां गलियां दे अंदर आवाज आ रही है ए लोको ए जरा मदीने दे गलियां च खेड़दा है तुरदा है रसूल दे कंधियां ते बैठदा है इन्हें एक दिन शहीद हो जाना है। फिर वक्त आया खुदा दी कसम सन 61 हिजरी दे अंदर जुम्मतुल मुबारक दा दिहाड़ा जनाब मौला हुसैन अपने नाने दे कीते वादे निभाण लग पिया है। फिर हुसैन 4 शबान मुअज्जम नु जदों नाने दा मदीना छोड़े आए अज 34 मंजिला तय करके मेरा हुसैन मक्के तो करबला दे अंदर पहुंचया है। जनाब लजपाल हुसैन सरकार ने मेरे आईओ सबर दा दामन नहीं छोड़िया इस्तकामत दा दामन नहीं छोड़िया जनाब हुसैन कुरान दी तलावत भी करदे रह गए मेरा हुसैन अल्लाह दा जिक्र अज़कार करदा रहा है खुदा दा कोई शिकवा नहीं कीता मेरे लजपाल मौला हुसैन सरकार दे दीवाने हो अल्लाह तुहाडियां मुहब्बतां नूं सलामत रखे मेरे भाई। जनाब लजपाल आका हुसैन सरकार ने जदे 2 मुहर्रम शरीफ नूं डेरा लाया है अज 3, 4, 5, 6, 7 मुहर्रम आ गई अज नबी दी आल ते पानी बंद हो गया है। ओ लोको तानी चकदे रहण वाले हो अज पानी बाबा जी उन्हां ते बंद हो आए जिन्हां दा बाबा होवे कौसर ते पानी दे प्याले तकसीम करेगा अज पानी उन्हां ते बंद होया अदील भाई जिन्हां दा बाबा जनाब वलियां दा सरदार अज पानी उन्हां ते बंद
बंद होया है जिन्हां दी मां जंती औरतां दी सरदार है। तवज्जो मेरे प्यारे भाईओ, अज पत्थर दिल बंदे नाल गल नहीं करना चाह रहे हो, जिन्हों अल्लाह ने ए दिल दिता है ते दिल दे धड़कन हुसैन वास्ते मौजूद है। उधर तवज्जो फरमाया जे मेरे भाई, जनाबे लजपाल आका हुसैन सरकार जनाब दे अखां दी मिराज कराना चाहना, कुछ कर बैठे ने कुछ दी मिराज कराना चाहना मेरे भाई। जनाबे लजपाल आका हुसैन सरकार अज पानी बंद है, सबर दी तलकीन पे कर दे रहे हो आवाज, या अय्युहल्लजीना आमनु इस्तईनु بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين। हुसैन हर लमे सबर किया है, ईमान वाले ने हुक्म ईमान वाले हो सबर करे आ जाए, सलात तो मदद मंगे आ जाए, नमाज तो मदद मंगे आ जाए, सबर तो मदद मंगे आ जाए। मेरा हुसैन हर लमे सबर किया है, लंबी बात ना करा मेरे भाई, बहुत सारी बात छिड़ जाएगी अगर गुजारिश करता चला जावा। जनाब आका हुसैन सरकार अज सत मुहर्रम नो हर किसी ने जनाब सबर की तलकीन करके अज अठवीं की रात ही सबर की तलकीन की है। जब नामी की रात आई है मेरे किबला हाफिज साहब जनाबे मौला हुसैन ने अपने रुफाका नू बुलाया है, अपनी बच्चिया नू बुलाया है, अपने मोहब्बत वाले नू बुलाया है। अज अपनी भैन सैयदा बीबी ज़ैनब नु बुलाया है, जदों सैन जादी फिराद खेमे चाहिए ईमानदारी नाल दसो बच्चियां वाले बैठे हो, अज भैणा दे वीर बैठे हो। अल्लाह की कसम अज वीर ने तकलीफ आए, भैणा दियां डाइयां निकल जांदियां ने। सैयदा ज़ैनब पाक जदों खेमे च आई आए, मेरे हुसैन ने अपनी भैन सबर की तलकीन की, फरमाओ मेरी मां जई अज साड़ी आखिरी रात है, तू मैनू वेख ले मैं तेनू वेख लो। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, फरमा मेरी बहन आ तू मेनू वेख ले मैं तेनू वेख लवा। अज तो बाद जो तू कल दी शाम ढलनी है, ना तू मेनू वेखना है ना मैं तेनू वेखना। कितने वीर बैठे हो, पिछले दिहाड़ी असी अपने वीर कोल महफल पढ़ के गए, अद्धी रात वेले सवेरे मेनू बच्चियां कॉल की, कहन लगे भाई जान तुहाडे वीरां दा एक्सीडेंट हो गया है। मैं घर खोल किया, बच्चियां दे रोण दी आवाज, कोई दुआ प्या देता है। जब फिर भाई नाल गल हुई मैनू सकून मिल गया, मैं दुआ दी सेहत दी। और जब भैणा भिरा दे सीने लगदिया ने, अजीब मंजर होता है दिल भाई। जनाब आका हुसैन ने फरमाया अज आखिरी रात है, इस रात तीन हिस्से कर लेने आ शाह जी। एक हिस्से बिच कुरान पढ़ना है नवीद भाई, एक हिस्से के अंदर अल्लाह की नमाज पढ़नी है, और जरा तीजा हिस्सा है सैयदादी तुहानू वास्ते अपनी मां की चादर दा। मेरे वाल तवज्जो रख के जुमला सुनया जे, जदों हुसैन बादशाह फरमांदे ने ओ मेरी बहन, तीसरी गल जदों अद्धी रात हो जाए कोई मेरे खेमे च ना आवे, एक मेरी बहन आवे एक मैं हुसैन। अज मैं अपने वीर नाल गल्लां करनियां ने, बीबी पाक आंदियां ने, हुसैन बादशाह फरमांदे ने मैं अपनी बहना नाल गल करनी है। अल्लाह जानदा बाबा जी शहनजादी ने केड़ी बिरावा नाल गल कीती है, बहना ते बिरावा दियां गल्लां गूड़ियां होंदियां ने यार, ए राज होंदे ने। सवेर दा दिन चले आए, अकबर बादशाह अजान पड़ी है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
मैदान चट्टियाल मैदान अनसुए सुए मौजूद ने हम शक्ल पैगंबर अली अकबर अजान पड़ी चश्मे फलक ने अजान सुनी जमीन ते रिंगण वाले कीड़िया ते जानवर सुनी आसमान ते उड़न वाले परिंदे ने आवाज सुनी ए ओ आवाज है जिदी आवाज ही मेरे मुस्तफा नाल मिलदी है जिदी शक्ल भी मेरे मुस्तफा नाल मिलदी है जिदी शक्ल मेरे मुस्तफा नाल मेरे आका करीम दे गुलाम हुसैन बादशाह आखिरी जमात करवाई तवज्जो बच्चे हुसैन बादशाह आखिरी जमात करी अकबर अजान पड़ी दसवी मुहर्रम का दिन सूरज निकलिया शिमर कुत्ता भौंकया दा हुसैन हुण मैं अपने भाइयों का हुक्म पढ़ रहा हुसैन बादशाह मैं पियाना उन्हें ते बदतमीजी दे अल्फाज बोले हुसैन आज भी यजीद की बैत कर आज भी यजीद की बैत कर असी तेनू मूसल की हकूमत भी दे देंगे तेनू गवर्नरी भी दे देंगे कुर्सी भी दे देंगे मेरे हुसैन बादशाह अली मौला की जबान च बोल के फरमान देने होए दुनिया के लालची कुत्ते हो हुसैन नू कुर्सियां की लोड़ नहीं जिदा कंधा कुर्सी मुस्तफा बनी होवे जिदा कंधा मुहम्मद की कुर्सी बनी होवे उन्हें लोड़ ही नहीं गिरामी कदर हजरात पैगामात जारी ने जनाबे लजपाल मौला हुसैन सरकार मेरे आका दे गुलामों में एक एक शहीद की गल करा ते वक्त चाहिदा है सब तो पहला जरा करबला दे मैदान दे अंदर तारीख वाले ने लिखिया कुर्बान होया है उदा ना जनाबे हुर्र जरा मदीने तो लैके मक्के तक मेरे हुसैन हर पासों जनाब बन के ले आया जदों मेरे हुसैन दे सामने किस वजह तो एक कलमा पड़िया है दो रिवायात ने इंदी बेटी का नाम सैयदा सकीना है हुर दी बेटी का नाम हिक ने सकीना लिखा है दूजी बेटी का नाम किसे राबिया ते राफिया लिखा है ए बीबी जनाब इक पानी का प्याला लैके जल्दी जल्दी खैमे च गई अल्लाह अकबर कबीरा जो खैमे दे अंदर गई है इदे हाथ में कच्चा मिट्टी का प्याला हाफिज़ साहब जरा जागे हो कच्चा मिट्टी का प्याला मेरे भाई इधर होके बैठना जरा कच्चा मिट्टी का प्याला है जनाब इमाम हुसैन लजपाल दे खैमे चाहिए भाई बारिश तवज्जो करना दर औलाद वाले बैठे हो धियां वाले बैठे हो ए बीबी दे हाथ विच कच्चा मिट्टी दा प्याला है ए जदू खैमे दे अंदर आई है हाजी साहब अज जाके वेखिया कि चिट्टे रंग वाली बीबी जिदे सर दे वाल सफेद ने सर ते चादर लैके कुरान दी तिलावत बैठी कर दी कुरान दी तिलावत बैठी कर दिया ने तिलावत कर दिया कर दिया पुछया बेटा तू कौन है ओ बच्ची तू कौन है किवें आई है हाथ बन गया दी बीबी ओ सामने मैं सरदार दी बेटी हूं मेरे बाबे दा नाम हुर्रे मुसलमानों तवज्जो करे आजे मेरे बाबे दा नाम हुर्रे किबला कारी साहब तुहाडी अजमत नू मेरा सलाम मेरे बाबे दा नाम हुर्रे अज सहनजादी अदील इज कुराने पाक बंद कीता है बच्ची नू अपनी गोद च बिठाया है फरमाया तू साडी मेहमान है अज काश मेरे दाने दा मदीना होगा अज काश मेरे नाने दा मदीना होंदा अज काश मेरे बाबे दा नजफ अशरफ होंदा तेरी मेहमान नवाजी कर दी तेरी मेहमान नवाजी दा हक अदा कर दी जड़ा जुमला मेनू अंदरू खा गया है सैयदा दी सखावत सदके जाओ बीबी बैठिया हुई ने नाल सैयदा सुकई ना आईया सहनजादी ने अपनी धी दे कन्ना विच एक एक वाली लई उस बीबी दे कन्ने च जदों पवई है ए बच्ची दौड़दी दौड़दी अपने खेमे च गई है मां पुछिया बेटा ए कन्ना च वालियां किन्ने पाईया ने अज बाप ने पुछिया पुत्र ए कन्ना च वालियां किन्ने पाईया ने बच्ची बोल के आंदी है बाबा मैं जानती नहीं हाँ कौन है पर जड़ा सामने खेमा लगया है उत्ते एक बुरका पोश बीबी है जड़ी इंज दा कुरान पई पढ़दी है
मामा मैं वेख्या बीबी कुरान पई पढ़दी है। मैं पूछा नहीं बीबी कौन हो, ए वालियां किन्ने पईया ने? ओ बोल के आंदी अम्मी एक सत साल दी मेरी उम्र दी उंदे नाल एक बेटी बैठी सी जिदा नाम ओ बार बार सुकई ना पईया आखदियां सन। उंदे कन्ने विच वालियां लईया ने मैनू दे दित्तियां ने ने वाह हुसैन मैं तेरे तू कुर्बान जावा। दुश्मन दियां धीआं नाल प्यार करने वाले जिदी भैन एडी सखी है खुदा जानदा है उहदा वीर किड्डा सखी है। उदा जान दे उदा वीर कितना सखी होवे। एक रिवायत दूजी रिवायत चाहुंदा इन्हें मेरे हुसैन बादशाह दे पिछे नमाज पढ़ी हुसैन दे पिछे आंदा हुजूर मैं तुहाडे वर्गा सखी नहीं वेख्या, आओ मैं तुहाडे हत्थां ते बैत करके कलमे मुहम्मद पढ़ के मुहम्मद दा गुलाम बनना चाहना है। ते है सी लेकिन जदों आया उन्हां दे वल्लों ते फिर सरकार दे दीवानों नूं यकीन नहीं आया कि मैं मुसलमान रहा कि नहीं रहा। हुसैन दे कदमां ते जान दा नजराना पेश करके सबसे पहला करबला दी धरती ते कुर्बान हो इस्लाम दी खातिर कुरान दी खातिर मुहम्मद दी आल ने केड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने मेरे भाई। मेरे आका हुसैन जपाल एक एक नौकर कुर्बान हो रहा है। जब जनाब हजरत औनो मुहम्मद कुर्बान हो गए जनाबे हजरते औने मुहम्मद दी कुर्बानी ते बाद जनाबे हजरत इमाम कासिम दी मां मेरे वीरां दा हुक्म सी मैं पढ़ रहा। इमाम कासिम दी पाक मां ने अपने 19 सालां दे पुत्र नूं बुलाया। जवानो तवज्जो रखिया जे 19 सालां दे बच्चे नूं बुलाया जनाबे इमाम कासिम आ गए। फरमा बेटा उरा आओ। जी अम्मा जी हुक्म की है? फरमा बेटा ए ते दस तुहाडा नां की है? अम्मा जी मेरे अबू ने मेरा नां जनाबे कासिम रखिया है। फरमा तेनूं पता है पुत्र कासिम दे नाम दा की मैनी है? अर्ज करदे ने अम्मा कासिम दे नाम दा ए मैनी है तकसीम हो जाना। अम्मा कासिम दे नाम दा मैनी है वे तकसीम हो जाना। फिर मां ने सीने ना लाया पत्थर बंदा ना सुनया जे कि बे दिल च हुसैन दी मोहब्बत मौजूद है। मां ने सीने ना लाया सीने ना ला के फरमाओ मेरा बेटा आ फिर मेरे सीने ना लग। अगर तेरे ना दा मतलब तकसीम है ते फिर याद रख अज जा मुहम्मद दे दीन तू तकसीम हो के आना है। अम्मा मैं कलिया नहीं जाना मैनू चाचू दे कोल लै के चलो। अज मां ने हुजूर शाह जी इज पुत्र दा बाजू पकड़िया खैमे च लै गई है। मेरे बाबा जी मेरे लजपाल हुसैन कुरान दी तलावत पे करदे रहे। अज बीबी पाक ने हुसैन बादशाह नूं डिस्टर्ब नहीं कीता। अज खैमे ते नौकर बन के खलो गई हैं हाथ बन के खलो गई है। हुसैन बादशाह ने अज साहब इज कुरान पाक बंद कीता है। कुरान पाक बंद करके मेरे हुसैन बादशाह ने हुजूर जनाब दी तवज्जो दा तालिबा हुसैन बादशाह ने आख्या ओ मेरी भाभी जाल हुक्म दे हो क्यों तशरीफ लै के आई आज। फरमाया मेरे आका हुसैन एक मंगा नहीं आ। फरमाया भाई जान मैं कुछ मंगा नहीं आ। फरमाया भाभी अज औखे वेले मंग रही है मंगदियों ते मदीने मंगदी मंगदियों ते मक्के मंगदी मंगदियों ते नजफ अशरफ मंगदी। हुण करबला दे अंदर हुसैन गरीब उल वताने हुसैन परदेसी है हुण भी मंग मैं दियांगा। हथ जोड़ के आंदियां ने लाला हुसैन आ मेरा पुत्र जरा कासिम है इनू इजाजत दे दो मोहब्बत दीन तू जरा कुर्बान हो। ओ वेलिया मेरे हुसैन दी अखां च मोटे मोटे आंसू दियां लड़ियां जारी हो गईयां। फरमाओ मेरी भाभी ए मेरे वीर दी निशानी है ते दूजी गल ए
मेरा दबार हाले जवान यजीदी मेरे खून दे प्यासे ने तानू इजाजत नहीं जाओ चले जाओ मेरे हुसैन जो कमर फेर दिती शाह जी अज तू कमर फेरी आका कासम रोके आने अम्मा चलिए यतीमा नू कोई नहीं प्यार करदा भाई जो मसाह पढ़ा जाए माशाल्लाह समझा करो अल्लाह थोड़ी मोहब्बत को सलामत रखे जो मसाह पढ़े जा नारा नहीं मारी जनाबे इमाम कासम इंज खेमे तो बाहर निकले अपने खेमे बच आ गए जनाबे इमाम कासम रोंदे तवज्जो है मेरे भाई इमाम कासम रोंदे ने बैठे इंज दुजानू होके इंज अदील भाई गोडे तत्ती रेत ते रखे मेरे वल वेखना भाई जान कलेजा टुट गया तवीज फड़िया फरमाओ मेरे कासम बेटा इन लाए केड़ी चीज कासम रो के आंदे अम्मा हुण गल बन गई है अम्मा हुण गल बन गई मेरी मां हुण तेरा पुत्र तकसीम होएगा तेरे दुध दी कसम इंज दी तकसीम करांगा अपने आप नूं जमाना मेरियां मिसालां देण तों कासर हो इंज तवीज खोलिया तवीज च लिखिया होया है अस्सलामु अलैकुम ओ मेरा बेटा कासिम जदों तेरे चाचू हुसैन ते कदी ओखा वेला आ जावे अपने चाचू तू पिछे ना हट जाई नवीद भाई जवान बैठे शाला तोड़िया जवानिया दी खैर होए और जवान अगरा गौर नल सुने आजे इज तवीद नु चुकया अज इमाम कासिम दौड़ के अपने चाचू दे खेमे च गए ने इज खेमे च जाके आदने चाचू जी हुण ते इजाजत देनी पैनी जे आका हुसैन ने तवीद फड़िया अखां नु लाया ते चुम के फरमा दे ने ओ मेरे वीर हसन मेरे पुत्र टुर जांदे मैनू दुख नहीं सी अगर मेरे बेटे कुर्बान हो जांदे ते तुहाडा पुत्र मेरी अखां दी ठंडक तुहाडी निशानी से मेरा बेटा अलहाज अल कयास मेरे हुसैन लजपाल ने अज भतीजे नू जदों तैयारी कराई इजाजत दित्ती है इक बयान कीता जांदा है ओ बीबियां ने मेहंदी गई हुसैन दे पुत हसन दे हसा कासिम दे हत्थां ते मेहंदी लई है ए मन घड़त झूठी कहानी झूठ ते फराड ओए ते होश भी मेहंदियां दे लगे फिरदे सन यार जेड़े दीन बचा रहे ने उन्हां नूं मेहंदियां लाण दी की लोड़ जिन्हां दे वीर खून दियां मेहंदियां ला के सो गए जनाब कासिम तैयार नवीद बच्चे अगार करना सजा दे भाई अदील भाई कसम है जदों इमाम अज तुसी भी बहना वाले बैठे हो धियां वाले बैठे हो और जदों मां पुत्र नू पहली बारी शादी वास्ते तैयार कर दिए दुल्हा बना दिए वीर दे हथ ते अज मेहंदियां ते दुआवां अज इत्थे दुआवां है सन मेहंदी नहीं है सर ते दस्तार अली रखी है बाप दी तलवार इमाम कासिम ने लई है इज जदों खेमे च निकले आए ए मावां वाला बंदा जुमला सुने आए ओ जदों खेमे तू बाहर निकले ले कासिम दी मां ने सैया जी इज बावां खोलियां ने फरमाओ बेटा जांदी वारी अपनी मां दे सीने ते लग जा पता नहीं फिर आना के नहीं आना सब परदेसी वतनी आए बेटा जांदी वारी मां दे सीने नाल लग जा जितने भाई बाहर खड़े हो बैठे
अंदर बैठे हो अकीदत नाल आंसू बहांदे हो चाचा जी आज किसी का पुत्र परदेश जावे उन्हें पता है हुजूर ने 3 साल बाद 4 साल 5 साल बाद वापस जाना है ओ माए जिन्हों पता है जिते ओन गया है नहीं आया जिते मोहम्मद गए नहीं आए जिते हुर गया है नहीं आया एक कासिम जनाबे गाजी अब्बास दा शागिर्द है आपने जनाबे कासिम नु जंग जनाब जंग जू बनाया है जदू तुरया है खैमे च मेरा गाजी निकल के आंदा है कासिम ध्यान करी कंड पीछे तलवारां दे वार नहीं आने चाहिए ध्यान करी कंड पीछे परचियां दे वार नहीं आने चाहिए ध्यान करी तीरां दे भालियां दे निशान तेरी कंड च ना क्योंकि अली का घर भी क्या घर है कि जिसे घर का हर के बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है अल्लाह तेरे आंसू कबूल करे भाई एक बारी पढ़ो जरा अली का घर भी क्या घर है कि जिसे घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है आखिरी अल्फाज में गुजारिश करके इजाजत चाह रहे हो मुअज्जज मेहमानों अल्लाह सलामत रखे सारे दे आंसू अल्लाह कबूल फरमाए जनाबे इमाम कासिम लजपाल जदों मैदान कारजार च पहुंचे ने उच्चे ढीले ते गाजी अब्बास बह के फरमांदे ने ओ पुत्र ध्यान करी मेरियां गल्लों जदों जनाब अधे मैदान च गए ने अज मां आवाज दे के आंदी है कासिम मां दी लज रख के आई इंज वापस ना आई मेरा कसम जदों मैदान कारजार पहुंचाए खुदा दी कसम इंज शेरां वाली आवाज दे के बोले ने लेकिन सरकार दे दीवानों कुत्तियां दे सिर ते कोई असर ना होया दिलो दिमाग ते कोई असर ना होया जनाबे लजपाल मौला हुसैन सरकार अज खैमे च वेखदे ने पाए सिमर कुत्ते ने अपने पहलवान नु भेजिया है इक पहलवान दा सामने इक पुत्र आया है मेरे कसम ने गाजर मूली दी तरह कटे आए उधर दूजा पुत्र आया अपने कटे आए तीजा पुत्र आया अपने कटे आए जब चौथा पुत्र आया कटे आए उधर दा बाप जब सामने आया है ए जालिम ने मेरे इमाम कासिम सरकार नाल जब मुकाबला कीता है अली का घर भी क्या घर है मेरे कासिम ने फरमाया है ओ बड़ा बड़ा मिस्र दा पहलवान शाम च तेरा नाम है लगदा है तेनु पहलवानी भूल गई है लगदा है भूल गया है ओ जमीन ते जीन ते आन लगा है हुसैन दे पुत्र जनाब कासिम इमाम हसन दे बेटे ने इज तलवार चाहिए इज जालिम नु गाजर मूली दी तरह कटिया है 3 दिन दा भुखा प्यासा आवाज दे के आंदे ने अल्लाह ताश चाचू प्यास लगी है चाचू प्यास लगी है हुसैन ने सबर दी तलखीन की दी है एक रिवायत च आंदा के मेरे मौला हुसैन कोल आए आपने अपनी उंगली मुबारक च सही कासिम चले गए जदों जाके लड़े आए जालिमां नाल इंज लड़े आए
जिवें तो बड़ा जंग जू लड़दा है 19 साल की उम्र हूँ कलेजे दे हाथ रख के सुनया जो मेरे कासम दी जो तलवार उठी अदील भाई मेरे मौला गाजी अब्बास आंदने शाबाश शाबाश कासम आज मेरे कंधियां ते बैठन दा हक अदा कर दिता आज मेरी तलवार फड़ी दा हक अदा कर दिता जनाबे इमाम कासम ने कई बल्कि 2000 लिखिया रिवायात च किसी ने 5000 लिखिया है किसी ने 200 लिखिया है और यजीदियां नूं मेरे कासम ने कटिया है जो यकबार की नाल हमला होया है मेरे लजपाल इमाम कासम ने कमीने दा तीर वजिया पेशानी च लगिया है मेरे हसन दा लाल इजीर तू जमीन ते आया है मैं की पढ़ांगा तुसा की सुनना है अदील भाई किसे पर्चियां चलाईया ने किसे तीर चलाए ने किसे तलवारा दिया हनियां चलाईया ने किसे तीरा दिया नौका चलाईया ने एक कुत्ता बोल के आंदा है ए इंज नहीं जे जाना इदी लाश ते घोड़े दौड़ाने शुरू कर दो और जिधर जिधर घोड़ा दौड़दा है मेरे कासिम दी आवाज आती है आका हुसैन मेरी मां नूं आख दे आजे तेरे पुत्र ने तेरा वादा निभा छड़िया है हुसैन लजपाल अपने बेटे नूं लैण वास्ते गए खुदा दी कसम है मकतल वाला लिखदा है मुल्ला मोइन काशिमी ने लिखया है हुसैन जो चादर बिछाई है चादर बिछा के हुसैन जो टुकड़े उठाए ने खुदा जानदे केड़ा प्यू है और जड़ा पुत्रा ने टुकड़े चांदा है वाह हुसैन मैं तेरे तू सदके जा टुकड़े चा के जदू खेमे च आए ने फरमा सकीना मेरी भैन जनाब मेरी बेटी मेरी बहन नु इतला दे दे पर मेरी भाभी नु इतला दे देवी किदे मां जूंदियां ही ना मर जाए जदू मां दौड़ी आई है इज खेमे च आई है पुत्र दी मां नु खुशबू आई है इज जाके जिस्म नाल लपेट के आंदी है पुत्र आज तू वादा निभा छड़िया है तेरी मां भी राजी है तेरा बाबा भी तेरे ते राजी है आखिरी बारी हुसैन नु सलाम करके आखो रा कर बलम वसा छड़िया ओ ज़ैनब दे वीरा ने करबल नो वसा छड़िया ज़ैनब दे वीरा ने करबल नो वसा छड़िया दा यकीन होवे कि हुसैन इस्मान बचाया है हुसैन इस्लाम बचाया है अमीर गरीब चौधरी बादशाह आखो रहा कर बलना एक बारी तुसी भी कह लो कसम तोड़ दियो भाई कर बलना वसा छड़िया ज़ैनब दे वीरा ने कर बलना वसा छड़िया ज़ैनब दे वीरा ने इस्लाम नो रंग छड़िया ज़ैनब दे वीरा मैंने एक हुक्मनामे थे पढ़ के इजाजत चाह रहे हैं चाह रहे हैं बा हुसैन Allah 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 Allah
बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह वाह हुसैन तेरे कुर्बान तूने दीन बचाया है इस्लाम की कश्ती को तूने पार लगाया है एक बारी आंखों लबैक 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 या हुसैन 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 हजरत 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 हुसैन बादशाह ने एक एक फूल कुर्बान करके इस्लाम भी बचाया है कुरान भी बचाया है रसूलुल्लाह का कलमा भी बचाया है आखिरी पैगाम है हुसैन बादशाह की सीरत दा अल्हम्दुलिल्लाह असि सारे हुसैनियां साडा ईमान है साडा यकीन है असि हुसैन बादशाह दे सारे नौकर हां यकीन है कामिल है यकीन है कामिल है ते रात 1 बजे तक मौजज मेहमान आशिकान मुस्तफा हुजूर दे नौकर सारे छोटे बड़े बैठे ने ये साडे दिल विच हुसैन बादशाह दी मोहब्बत मौजूद है ते बैठे ने हां असि सारे हुसैन के गुलाम है कोई शक नहीं शराब पीना जायज हूँ इंज नहीं करना जरा मुंह बोलने जी शराब कौन पींदा सी जी 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 बोलो तुम कोई चौधरी कुछ नहीं आता भी साडा ना ले ले जेड़ा पींदा उन्होंने आपने पता उसी जड़ी असि पीने वो हो रहे वो मदीने से मंगाई जाती है मदीने से मंगाई जाती है तैबा से मंगाई जाती है ये मदीने वाली है कई बिच होंगे ही है ना दाने बैठे होंगे पता नहीं अपनी भी गल कर गया बिच होंगे ना जी जिन्होंने हजम नहीं होंगी शराब कौन पींदा सी बोलो बोलो यजीद कुत्ता आखो यजीद बोलो यजीद उची नहीं बोल देते यजीद कुत्ता हुसैन बादशाह यजीद कुत्ता है चार कम सन यजीद के अंदर शराबी सी मुसलमानों खुदा का खौफ करो जानी सी भाई वारिस त्रीजा भाई जवेद अपनियां सकियां बहणा नाल जिना करने वाला कमीना चौथी हरकत बेनमाजी ए नाक के ओ क्लीन शेप सी नहीं ओ पग्गा भी बंदा सी उदी दाढ़ी भी एडी वड्डी सी जुब्बे भी पहनता सी ये तुहानू गल्लां बर्दाश्त नहीं होनी मैनू पता है सब कुछ करन दे बावजूद शरीयत रसूल दा तारिक सी ते हुसैन बादशाह नूं आंदा मेरी बैत कर फरमाया अपना बूथा सांभ मैं हुसैन हां तेरे हथां च कदी हथ नहीं देंगा ए ओ हथ ने जिन्हां नूं 8000 मर्तबा मेरे नाने मुहम्मद ने चुमिया है जेड़ा बंदा हुण भी नहीं बोलिया मैनूं तेरे बहण ते अफसोस होया खुदा दी कसम है सिर्फ सुल्तान बहु सखी ते मियां साहब दे शेर ते मौलवी दी आवाज सुन के खुश होने वालों जरा हुसैन बादशाह दा पैगाम भी सुनो जरा सुर रह जानी है जदों मौलवी दे फेफड़े खत्म है किसे तानी चक च जाके नहीं पुछना ओ बाबा मुश्ताक सुल्तानी जिन्हें दुनिया ते राज कीता है मैं मिलन गया ते बाबे दी अखां च आंसू आ गए फरमान लगा पुत्तर कदी ओ जमाना सी लोकी गलियां च खलो के फुल बिछांदे सन हुण ओ भी वक्त है लोकी सलाम भी नहीं करदे ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए सुर दे आशिक ना होवो साज दे आशिक ना होवो आशिक होवे तो हुसैन दे बाबे दे आशिक हो जो जिंदगी अच्छी हो जाए यजीद लिफंगा असी हुसैन दे नौकर शराबियां नाल यारी नहीं रखांगे आखो इंशाअल्लाह मैं मेरे भरा बड़े भाई बैठे मैं अगर गलत भी आना तो मैं टोको चल बाबा जी मैं थोड़े कदमों से हाथ रख पे आना मैं इस सिदरा शरीफ दे आस्ताने तो यह पैगाम देना चाहना हुसैनी नौकरा नू मेरे बाबा जी नू अर्ज कर दिया जे कि एक थोड़े दर्द सग आया सी
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਰਾ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਪੀਰ ਮਸੀਰੁਦੀਨ ਨਸੀਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜ਼ਮਾਨਾ कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है हाँ खत्म होगी मैं कभी फरमेश पढ़ रहा कि माना वाले फिर मैं आना भी है ना जी बड़ी मेहरबानी कल पुल से हमें जिसने पीर भाइयों खुद पार लगाना है कौन ज़हरा का जो बाबा ज़हरा का जो बाबा है महबूब जो बासने ने कनाना है हंसने ने कनाना है हंसने ने कनाना आखिरी बारी सैयद उसे दुआ राशिद भाई तुसी इदे विच कबूल कर लिया जे आओ 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 अल्लाह आओ मुनकरो आओ 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 अबू तालिब की औलाद को बातें करने वालों आओ करने वालों नारे हैदरी आओ आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दाम आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दाम क्यों है नस्ल करीमों की लज पाल खराना जेड़ा अली दे घराने नु लज पाल मंगदा तेनु मां दे धारण दी कसम हाथ उठा के आख जरा लज पाल खराना है लज पाल खराना है आओ दर सहाला पर फैलाए हुए दामन को है नस्ल करी शहर का अपना मिजाज है मता को फतवा ना ठोक देवे नबी है आसरा आसरा नबी है आसरा भी है आसरा जी कुल जहान दा जहान दा नबी आसरा गे मां हुसैन दी अली है आसरा 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 जिना जिना अली आसरा बोलो अली है आसरा अली है आसरा जी कुल ईमान दा अली दा आसरा के मां हुसैन जी 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 नबी जी 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 नबी हां
बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी जड़ा मत सवेरे फतवा ठोके मां बेटी का सहारा प्यू धी का सहारा धी बाप का बोलो हूं सब सुन गया धी बाप का सहारा सहारा एवं जनाब किसे छिकड़ छिटकना होवे ते एवं छिट देंदा है जांदी वारी भी बेटी बाप दा सहारा होंदी है कि नहीं बाप दा सहारा होंदी है कि नहीं अज पुत्र हस्पताल च प्यू नु छड़ के आ जांदा है प्यू नु थियां दौड़ दौड़ के अपने बाप दा सहारा बनदियां ने सहारा भी मरियां आजरा ते हवासियां आखिरी बारी आखो नारा हैदरी ताजदारे खत्मे नबूवत तारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत खत्मे नबूवत जिन्ना दी जबान बस 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 ताजदारे खत्मे नबूवत बोलो बोलो ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये पैगाम देना चाहते हैं हजूर में दो मिनट सिरा पे जनाब ने इंज रखो बस एवं दो मिनट पता है मैंने शाह जी माफी दोस्तों आप लोगों ने देखा है सुना है हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई है आप सबने सुना भी है वो खातून के साथ ईमानदार न दसो जिंद तीन बच्चों के सामने मां की इज्जत लुटींदी रही उसकी हैं और सारी जिंदगी किबला शाह जी मां केड़ी है जी 17-12 साल की बेटी के नाल अखां मिला के गल कर इस वास्ते लब्बैक या रसूल अल्लाह दे गुलामा दा हुक है लोको एवें बातिल नु वेख के ना भज जाया करो हुजूर दे नौकर यही पैगाम पे दिंदे ने मोहम्मद दा दीन आएगा ते हक और हक ते बातिल बातिल हो जाएगा बातिल बातिल हो जाएगा बड़ी मेहरबानी एक बारी नारा सुना दो ताजदार खत्म नबुव्वत दा मैनू पता होवे अल्हम्दुलिल्लाह जदों इत्थे सड़कां बंद होईयां सन मेरे मुर्शिद गवाह ने माना वाले चौक च आके फकीर ने तकरीर की सी ते अज ए बच्चा मेरा छोटा वीर भी गवाह अज दा उंज मैनू नारा सुना दे मैनू पता लगे मैं फकीर दुआ देंदा जावां ताजदार खत्म नबुव्वत खत्म नबुव्वत अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है अल्लाह आज की ये महफिल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए किबला मेरे बाबा जी के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए मैं तमाम मुअज्जज मेहमानान गिरामी का शुक्रगुजार हूँ बिलखसूस सैयद मोहम्मद नज़ीर हुसैन शाह साहब सैयद शफीक हुसैन शाह साहब बाबा जी रजा अली शाह साहब भाई चौधरी वारिस जट साहब भाई राशिद भाई जवेद भाई मोहतरम खालिद साहिब और चिश्ती भाई अल्लाह आपके बेटे की उम्र दराज फरमाए सिदरा शरीफ के तमाम पीर भाइयों का मशकूर हूँ अल्लाह आप सबको सलामत रखे अल्लाह आबाद रखे अल्लाह हुजूर के सदका मेरे भाई हाफिज असगर अली साहब के वालिद गिरामी मेरे बिरादरान तशरीफ लाए बहुत शुक्रिया 24 सितंबर नु इंशाअल्लाह फिर मैं हाफिज साहब को इशादी नमाज तो बाद हाजिर हो सा ते जरा उत्ते फरमेशन घट रखे अजे उर्स मुबारक की महफिल है तो इंशाअल्लाह घंटा ही खिताब होना है लंबा नहीं होना फरमेश होगी तो मैं माफ़ी मांग लाँगा थोड़ी बड़ी मेहर ये तो मेरे पीर का प्यार है मैं पढ़ गया और एक ऐलान समाप्त फरमा लो बरोज जुमरात 17 नवंबर सुबह 9 बजे उर्स मुबारक की तकरीब शहीद है हजूर किबला बाबा जी पीर सैयद मोहम्मद असगर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला बेगपुर हरदे शरीफ रोड के उत्ते ही आपका आस्थान है जिदे अंदर मुजाहिद अहले सुन्नत अमीर अहले सुन्नत तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत वास्ते अपनी जान का नजराना पेश करने वाला बाबा हुण भी तैयार बैठा है जरनैल अहले सुन्नत काश मेरे बाबे दियां लत्तां होंदियां ना हाय हाय फिर जिदा मालिक जिदे कोल कम लैना चाहे फिर दिले दियां हत्थां लत्तां जरूर होंदियां ने यार
इंशाल्लाह खसूसी खिताब हुजूर बाबा जी खादिम हुसैन साहब रज़वी सईद अशरफ हो जाएगा सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब मदरस जामे निज़ामिया आपका खिताब होएगा। जोर की नमाज तो बाद फकीर का खिताब होएगा। सारे दोस्त आप शिरकत फरमा के सवाबदार हासिल करना। आमीन वाखर दावाना अनिलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन। अदिल भाई एक शेर सलाम दा ते जिस तरह वाकई पीरां दा हुक्म नवीद साहब अल्लाह आपको भी सलामत रखे। बहुत शुक्रिया यार।